हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम खुशियावासी एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को और मेरे भगवान को, मेरे मस्तान बाबा को, कि बस इसी तरह से मेरी लाज रखना, मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं उन सबका काम करना। कल मैंने दिन भर बहुत बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया और मैंने सियासी लोगों के लिए भी काम किया है, लेकिन जिस बिकी हुए लोगों के लिए जो काम किया उसका धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कल मैंने एक एक के नाम पे, पहले मैंने सबके नाम नोट किए और एक एक के नाम पे मैंने फेंका है ताले, और जो काम किया उसका रिजल्ट कल आएगा। आज जन्नत दरवाज़ा खुला है, क्योंकि आज ख्वाजा जी के जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। पिछले साल इसी जन्नत के दरवाजे से मैं गई थी और आज मैं वहाँ पर हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ काम पूरा करना था और रोज पे चक्का जाम है। ड्राइवरों की कुछ भी सुनी नहीं जा रही है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, मैंने कहा था वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे किसी भी न्यूज़ वाले चैनल वाले लोग उनका कोई भी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, और इसलिए नहीं दिखा रहे कि पब्लिक तक बात नहीं पहुँचने देना चाहते। मैं सिर्फ अपील करूँगी कि थोड़े दिनों के लिए जो भी रिक्शा विक्शा हो रही है सब कुछ बंद करो। आज हमारे रोड का उद्घाटन होने वाला है इधर कहीं पे बॉम्बे साइड में, और आज हमारी सरकार यहाँ उतर के आने वाली है एयरपोर्ट से, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों से क्या हो रहा है, क्योंकि जिद है उनकी। हमारे जज हैं चंद्रचूड जी, जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए जस्टिस किया है, उनकी बातों को भी नकार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आज की तारीख में खोखे पे खोखा बट रहा है। अगर कोई आदमी पैसा बांटेगा, खोखा बांटेगा, तो ही उसकी सुनी जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पैसे के ऊपर पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल है, ऐसी बात है। दहिसर में भी जो कांड अभी हो रहे हैं, ये कांड अभी कुछ सालों पहले एक औरत करती थी वहाँ पे एक साल पहले कुछ औरत यह हरकत करती थी, आए दिन कभी भी कोई भी पागल जैसा प्रोग्राम रख लेना। ये थोड़ा हमारे यूपी वालों में है एक ज़बरदस्ती, कुछ भी प्रोग्राम रख लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन मैं अब बताऊँ ना, मैं 16 साल की उम्र से मैं देखते आ रही हूँ, 16 साल की उम्र से, आज मेरी उम्र हो चुकी है 41 तक मैंने आज तक देखा है कि हमारे दहिसर में अभिषेक विनोद घोसलकर जी, जिनका पूरा दहिसर वेस्ट और ईस्ट है, ईस्ट में तो पूरा मार्केट ही उनका है और लोग उनको इतना मानते हैं, उन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया है कि आज तक वहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना ही जीत कर आती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन जो कल ये हरकत हुई है, मुझे परसों बस इस बात का गुस्सा आया है कि यहाँ पे एक तो दलबद, मतलब बता रही हूँ जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो लोग पहले हम लोग के सामने ना ऐसे जमीन पे बैठ के बात करते थे, ऐसी बात है। पहले हमारे में जो छोटी, हम लोग ब्राह्मण जात के, हमारे में जो छोटी जात के लोग होते थे ना, वैसे हमारे सामने जमीन पे बैठ के बात करते थे। लेकिन अभी आज क्या बोलूँ मैं, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे ही ब्राह्मण समाज के, कुछ लोग हैं कि आज उनके बाजू में बैठ के उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए उनको छोटी जात, लेकिन उन्होंने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को कहा कि उद्धव जी उध्वस्त हो गए, ये लैंग्वेज वापरा है। ये लैंग्वेज अगर मेरा वीडियो विनोद घोसलकर जी देख रहे हैं तो मैं बताऊंगी कि सर, इन्होंने हमारे उद्धव जी के लिए ऐसे गलत गलत वर्ड वापरते हैं और आप लोग ऐसे माफ़ कैसे करते हो। देखो, इनको जो पार्टी करनी है, जो करना है करो, इन लोग के अंदर तो इतना डर बैठा है कि अपने ऑफिस के आगे पुलिस की गाड़ी खड़ा करते हैं, ऑफिस के आगे पुलिस वाले को बिठा के रखते हैं, और पुलिस वालों को आजकल कुछ काम धंधा नहीं है आजकल उन लोगों ने देश की सेवा छोड़ के लोगों के ऑफिस के बाहर वॉचमैनी का काम कर लिया है। वाह, मतलब हमारी सरकार अपने खुद के लिए बनाई है कि हम पब्लिक लोग के लिए बनाई है? क्योंकि अगर सरकार बनी तो हम पब्लिक के लिए, वो लोग हमारे हैं बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, तो ये लोग हमारी सेफ्टी नहीं करके खुद की सेफ्टी कर रहे हैं, और किनकी सेफ्टी कर रहे हैं, जिनको कोई जानता ही नहीं है। आज तक मैंने देखा है 16 साल से लेकर 41 ईयर्स में कभी किसी ने उन लोगों को पूछा नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मजाक मैं बनाती हूँ, ये जो पब्लिक उनके बाह पीछे घूम रही है ना, वैसे ही पब्लिक ना एक औरत के पीछे घूमा करती थी, उस औरत के पीछे लाखों करोड़ों पब्लिक घूमती थी, लेकिन जब वोट देने का मामला आता था ना, तो वो वोट शिवसेना को चला जाता था और सारा कुछ धरा का धरा रह जाता था। और वो लोग इतनी गंदी तरीके से हारते थे, इतनी गंदी तरीके से हारती थी कि उसका कोई मायना ही नहीं रहता था, उसको सिर्फ यही रहता था कि अगर वो पब्लिक को, ऐसे जो लोग जीतते हैं उनकी तरफ पब्लिक को भेजती थी तो पैसे मिलते थे, जो कि आज भी वही सीन है। ये जो आज की तारीख में तमाशा बनाया जा रहा है, जो कहते हैं ना रंगमंच खेला जा रहा है, भैया लोग को, यूपी वालों को बुला के गंदे डांस किए जा रहे हैं,
और इसमें जो भागीदार बन रहे हैं, आपको कसम से बोलती हूँ, माँ कसम, उस वक्त तो इतनी ताकत नहीं थी विद्या देवी में, आज इतनी ताकत है। सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया मालूम है, एक तो तुला राशि है, कुंभ राशि है, ऐसे लोग हैं, और दूसरी गलती क्या कर दिया कि हमारे उद्धव बाला साहब जी को उल्टा बोल दिया। मैं क्या बोल रही हूँ, जब से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, उन्होंने अपने गद्दारों को गाली दी होगी, लेकिन कभी भी किसी कार्यकर्ता को कभी गाली नहीं दी, किसी कार्यकर्ता को उल्टा नहीं बोला। हमारे अभिषेक घोसलकर और विनोद घोसलकर जी को ले लो, वो लोग लोगों में जाते हैं, लोगों में बैठते हैं उठते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सामने वाले पार्टी को कहीं गाली नहीं दी। आज तक उनका एक भी वीडियो उठा के देखो, उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी। लेकिन ये लोग के अंदर इतना घमंड है, क्योंकि यूपी वाले हैं ना, जबरदस्ती का घमंड है। और जहाँ पे ये लोग एक नंगा नाच कर रहे हैं, जहाँ ये नंगा नाच किया जा रहा है, वहाँ पे जो नंगा नाच हो रहा है, वहाँ शायद उनको पता नहीं है कि जब 2024 का इलेक्शन आएगा ना, तो उनके मुंह पे भी वही पड़ेगा, हर बार वही हुआ है। और बाकी का काम तो मैं करूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे भाई बाप को कोई गाली दे। हमारे भाई बाप तो आप लोगों को गाली देने नहीं आ रहे ना, वो तो कॉम्पिटिटर, वो अपनी लड़ाई पब्लिक के भरोसे लड़ रहे हैं, है ना। वो दूसरों के जैसे खोखे पे खोखा बांट के नहीं कर रहे ऐसी बात है। मतलब नई सरकार जो आई है, लगता है तुम लोगों को बहुत सारा पैसा दे दिया है, कि भाई तुम लोगों के पास इतना पैसा है कि तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो। अब कोरोना कहाँ गया, मतलब एक्चुअली बिल्ली को ऐसा लगता है कि दूध पी रही, कोई देखता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। तो अभी एक बात है, ऐसी एक लेडीज ने सर उठाया, फन उठाया था, तो उसका फन कुचल गया क्योंकि घमंड आदमी का ज्यादा दिन नहीं चलता। तो अब लगता है इनका घमंड ही नहीं, मुझे इनको ही पूरा गायब करना पड़ेगा, फिर से नामो निशान पूरा मिटाना पड़ेगा, जो मतलब 0 से 100 नंबर पे भी नहीं गए हैं। मैंने कल पता किया है पूरा, मैं वहाँ के 2-4 लोगों को छोड़ी थी कि भाई देखो ये क्या है आजकल, भाई क्या बात है, बहुत फॉर्म में है। तो बोले माँ इनके पास ब्लैक मनी बहुत आ गई है, मतलब आज की तारीख में जो भी कुछ काम होता है, अनलीगल झोपड़ों के साथ वो करना, अनलीगल झोपड़ों में लाइट पहुंचाना, ये करना, मतलब ये सारा कुछ दहीसर में चल रहा है, हर तरह का काम करना, जबरदस्ती जाके अपनी पावर बताना। क्योंकि जब से नई सरकार आई और ये लोग नई सरकार में एंट्री हुए हैं, तब से इन लोगों का पावर इन लोगों ने बढ़ाया नहीं, इन लोगों ने ब्लैक मनी फटाफट खींचना शुरू किया है, ऐसी बात है। तो इस वक्त इनके पास ब्लैक मनी बहुत है, अगर इनके पास रेड मारी जाए, करी जाए तो, क्योंकि बगैर पैसों के बल पे ही पुलिस वाले भी बैठते हैं, तो ब्लैक मनी बहुत है। और ब्लैक मनी में आपको शायद यकीन नहीं आएगा, कुछ 1-2 सालों में ही, पहले 1 साल पहले तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन कुछ 1 सालों में इनके पास इतना पैसा आ गया कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया, बड़े बड़े स्टेज बनना, ये वो ऐसे। और ये लोग भी क्या बोल रहे हैं, फिल्मी सितारों के बीच में जा रहे हैं कि बड़े बड़े अभिनेता मिलने हैं। भूल गए क्या, थोड़े दिन पहले वहाँ पे भी किसी लेडीज ने ऐसी किया तो उसको भी अभिनेताओं ने ही बर्बाद किया है, याद है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, अब ये बात तो, अब देखो तुम्हारा विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम लोग के पास पैसा आता है तो सही जगह इस्तेमाल क्यों नहीं करते, गरीबों को खाना खिलाने में इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। हाँ, जिन लोगों के पास लाइट नहीं है उनको लाइट का, नई लाइट की लाइट की समस्या सरकार सुधारे तो उनको सोलार दिलाओ, कुछ ऐसा बड़ा सोलार आता है, बड़ी तादाद में सोलार आता है जो बड़े बड़े बंगलोज में लगता है, वैसे करके पब्लिक को सहारा दो, नहीं उनको पानी की चीज़ों की सुविधा दिलाओ, नहीं। लेकिन नहीं, तुम लोगों को फंक्शन करने हैं, लोगों को वो करना है, इंटरटेनमेंट करना है, लोग देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है कि अब तो भाई, जब इतना दिन तो मैंने माफ़ किया, लेकिन जब परसों मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का मजाक उड़ाया ना, तभी मैं कल काम पर लग गई थी। और कल काम पर नहीं लगी हूँ, ये जो लोगों ने हरकत की है ना, जो बार बार फेसबुक पे भी फोटोज डालते हैं ना अपने साथ, एक दो जन है जिसको देखी हूँ कि कहते हैं ना अंधभक्त बने हुए हैं, तो मैंने उनकी फोटो भी भेजवा दी थी। तो विद्या देवी के आगे तो कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि कल मैंने जो काम किया है वो बहुत गंदा किया है। कुछ हरामी है, कहते हैं ना, कुछ जो मैंने बोला ना, एक रंडी है हमारे बीच में जो हर बात जबरदस्ती हमारे बीच में आती रहती है, वैसे ही मैंने उस, कैसे, सबसे पहले तो उस रंडी को, मतलब कहते हैं ना कि बार बार हमें गाली क्यों देते हैं, आप लोग हम ही को गाली देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अब तो मैंने कभी दिया नहीं और मेरे को देने का शौक भी नहीं, लेकिन यह है कि तुम्हारे किए की सज़ा मिली है। जो हमेशा बोलते हैं ना, माँ ऐसा क्यों, वैसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, अब की बार मैंने तुम्हारे किए की सज़ा दी है तुमको। इतना तो बात पक्की है कि जब सारा पूरा देश हिल गया है, जिसके जिसके नाम पे काम किया, सबके सब खटे हुए पड़े हुए, तो ये तो पॉसिबल है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा बरोबर, मेरा ये नंबर पे मैंने नंबर ब्लॉक रखा था, वो नंबर पे स्टेटस देखना, रह रहे के पैसे मांगना, माँ प्लीज़ दे दो दे दो। अभी तो तुम सिर्फ मुझसे मांग रहे हो,
अभी तो तुम्हारा रोड पे उतर के भीख मांगना मत पड़ा है। तो ऐसे कुछ रंडियों को जो लोग ने नाटक किया है, उन रंडियों के लिए भी मैंने काम चालू किया है। कल तीसरा अमावस्या पूरा किया है। जैसे तुम लोग दूसरों के परिवार में घुसते हो ना, ये वादा याद रखना, कल शाम तक तुम्हारा परिवार हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। तुम्हारे किए की सज़ा तुमको पूरी 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 मिलेगी, उसके लिए माफ़ी नहीं है और मैं दूंगी भी नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़े रहूँगी। तुमको बच के दिखाना है बच के दिखा दो, ये बात याद रखना। जैसे तुम लोगों ने मेरे परिवार तक आने की कोशिश की ना, वैसे मैं भी तुम्हारे परिवार तक हमेशा पीछे पड़े रहूँगी, क्योंकि तुम्हारे किए की सज़ा वही है। ऐसी बात है, मज़ा देखो क्या होता है। वेट एंड वॉच कल शाम को 5 बजे तक।